राष्ट्रीय राजपूत कर्ण सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर हत्या उनके घर में ही कर दी गई। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आकांक्षा और आप सभी देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में राजस्थान में बीजेपी जीती है और अभी ये तय किया जा रहा है कि सीएम पद का चेहरा कौन हो सकता है और कौन कौन कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है। लेकिन अब राजस्थान में एक बड़ा कांड हो गया है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की गोली मारकर दिन दहाड़े उनके घर में ही हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले स्कूटी पर सवार होकर आते हैं और सुखदेव सिंह गोगा मेडी को चार गोली मारते हैं और वापस उस स्कूटी से चले जाते हैं। यह सारी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बताया जा रहा है उन हत्यारों में से एक व्यक्ति को ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोस्वामी ने इस हत्या की जिम्मेदारी खुद पर ले ली है। सबसे आश्चर्यजनक बात यहाँ ये है कि बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी एमएलए राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस घटना पर दुख जता रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें इन सब चीजों से खेद है, लेकिन इन लोगों को बड़े एक्शन की मांग करनी चाहिए, इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और जब हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप द्वारा ले ली गई है तो अब किस चीज का इंतजार हो रहा है। सत्ताधारी दल के सांसद विधायक दुख जाहिर कर रहे हैं। केवल दुख जाहिर कर देने से ही चीजें सही नहीं हो जाएंगी, इसके लिए आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी अपडेट्स आपको कैसी लगती है ये भी बताएं। आप सभी देख रहे थे खबरीलाल टीवी। मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।